दोस्तों, आज के लाइव का टॉपिक जो है हमारा जो है वो गोट फार्म मैनेजमेंट है। अक्सर पशुपालक यहीं फेल होते हैं, जिनकी वजह से खासा नुकसान का उन्हें सामना करना पड़ता है। गोट फार्म पे मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, उतना ही आपकी लागत कम होगी, उतना ही आपको जल्द मुनाफा होगा, इफिशियंसी आपकी डबल हो जाएगी अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है। किसी भी काम में, गोट फार्म में ही नहीं, किसी भी काम में अगर आप मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं तो आपका मिलने वाला मुनाफा बढ़ जाता है और नुकसान से आप बचे रहते हैं। यही आप अगर मैनेजमेंट सही नहीं रखते हैं तो कदम कदम पे आपको परेशानियां आती रहेंगी और आप परेशान रहेंगे। तो गोट फार्मिंग में भैया मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने सही मैनेजमेंट रखा है, प्रॉपर टाइम से पशुओं को खाना खिलाते हैं, सही टाइम से वैक्सीन लगाते हैं, उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखते हैं, गंदगी से दूर रखते हैं और बायोसिक्योरिटी इम्प्लीमेंट रखते हैं फार्म पे, तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार पशु ला के फार्म पे छोड़ दें और आप आगे की तरफ देखें। कई लोग मैनेजमेंट सही नहीं रखते हैं, पशु लाते हैं वो बीमार रहते हैं, अच्छा खासा पैसा लगता है, वेट गेन उनको तो नहीं मिलता, बाकी लागत उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाती है। वेट गेन ना मिलने का सबसे बड़ा कारण और पशु के ना फलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। आपके पशु गंदगी में है जिसकी वजह से उनके खुर खराब हो रहे हैं, सही मैनेजमेंट नहीं है, बकरियां सही समय पे हीट पे नहीं आ रही हैं, हीट पे आ रही हैं तो कंसीव नहीं कर रही हैं, बच्चे गिरा दे रही हैं, ये सारे मिसमैनेजमेंट की वजह से काम हो रहा है। अगर आपने सीजन में सही खुराक नहीं दी तो आपका पशु दस्त की चपेट में, डायरिया की चपेट में आ गया, जाड़ा गर्मी बरसात का आपने इंतज़ाम सही नहीं रखा, तो हर मौसम की अपनी दिक्कतें हैं। अगर आपने इनको समझ के बकरी पालन कर लिया तो आप कामयाब होंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक है जो है बायोसिक्योरिटी, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। दोस्तों देखिए, नया मौसम, नया सीजन शुरू हो गया है, ये बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा दुख देने वाला मौसम है अगर आपने मैनेजमेंट सही नहीं रखा है तो। अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो आपको जाड़ा गर्मी बरसात कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एक बार आपने इसका फन सीख लिया तो आप किसी मौसम में पशु को लाएं और रखें, आप आराम से उसको रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए दिक्कत आती है जो नए हैं, जो काम को नहीं सीखे हैं लेकिन करना चाहते हैं। तो काम को सीख के करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं आएगी, आएगी भी तो आप अपने लेवल पे सॉल्व कर लेंगे। आए दिन लोग परेशान रहते हैं, नए लोग होते हैं, इधर उधर फ़ोन करते हैं, उनको सही जवाब नहीं मिलता है या वक्त से जवाब नहीं मिलता और उनका पशु ज़ाया हो जाता है। दोस्तों बायो सिक्योरिटी के ऊपर बात की जाए तो जिस तरह ये नया मौसम शुरू हो रहा है, अभी जो कुर्बानी का मौसम बीता और सारे हर फार्म पर अब नए बच्चे आ रहे हैं, तो जो देहातों से बच्चे आ रहे हैं तो वो देहात वाले ये बायोसिक्योरिटी को अपने यहाँ नहीं रखते हैं, वो इधर से पशु लाए उधर दे दिए, तो ऐसे में बीमारियों का फैलने का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है, खास तौर पे बरसात में FMD और PPR। और कुछ लोगों को तो डायरिया और दस्त की भी शिकायत इतनी रहती है कि इससे भी उनके पशु नहीं फार्म पे बच पाते हैं। मौसम का भी साथ आप मज़ा लेते रहे, हम आपको दिखाने के लिए ऊपर आए हुए हैं और आपसे चंद बातें ज़रूरी आपसे करना चाहते थे। तो बायो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन में यही है कि आप जो भी अपने पशु को रखें, जहाँ भी रखें, आइसोलेट रखें। सबसे बड़ा ऊपर रखने का पशुओं का फ़ायदा है कि ये बाहर में घरत पशुओं में नहीं जाते हैं हमारे पशु, जिसकी वजह से ऊपर वाला इन्हें बीमारियों से बचा के रखता है। अक्सर लोगों के पशु बाहर ऐसे रेवड़ में घूमते हैं, वहाँ अगर इन्फेक्टेड पशु है तो सारे पशु उनके इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ये समस्या कम आती है। और बाकी बड़ी बीमारियों का तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई खतरा नहीं देखने को मिला। तो इम्प्लीमेंटेशन बायोसिक्योरिटी में ये है कि आप जो भी लड़का रखें उसको ऐसा लड़का रखें कि रोज़ वही पशुओं का दाना चारा साफ़ सफाई करें, अगर आप खुद नहीं करते हैं तो। क्योंकि रोज़ लड़का बदलने से भी, हम तो यहाँ तक अपने फार्म पे प्रैक्टिस रखते हैं कि जो आजकल बरसात हो रहे हैं और जो हर जगह पशुओं के गंद फैले हुए हैं, तो हमने दो फुटवेयर भी, दो चप्पलें बनवाए हुए हैं, एक बाहर का और एक फार्म के अंदर आने का, क्योंकि इससे भी काफ़ी बार जो है देखने को मिलता है कि बाहर से सब कुछ हमने इंतज़ाम कर रखा था, कहाँ से दिक्कत आई, ये दिक्कत आई कि बाहर की गंदगी अंदर चप्पल से लग के आ गई। तो सबसे पहले तो अपना फुटवेयर आप चेंज करें, जो बाहर पहनते हैं उसको फार्म में पहन के ना आए, हाइजीन मेंटेनेंस रखें, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से अगर रखते हैं तो और अच्छे से आप फार्म पर रखें, गंद थोड़ा सा भी ना होने दें क्योंकि ये नमी वाला मौसम होता है और इस वजह से खुर में ज़्यादा बच्चों की दिक्कत आती है। पक्का फर्श भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और चौकी का इंतज़ाम ज़रूर रखें। देखिए हमने चौकी का इंतज़ाम भी रख रखा है जिसपे पशु आराम से बैठता है, उसको गंदगी नहीं लगती है, और जहाँ हो सके तो आप जो है वो पोटाशियम से जो है हाथ पैर उनके नहाते रहें हफ्ते में एक बार दो बार, और अपना खुद भी जो है
जूता वगैरह साफ करके ऊपर आए, वैक्सीन प्रॉपर अगर लगवा रहे हैं, अगर आपने मैनेजमेंट सही रखा है, आपके एकाध वैक्सीन अगर मिस भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लाख वैक्सीन लगाते रहे, मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, तो फिर भी आपके पशु आपको बीमार दिखाई देंगे और बीमार होंगे। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, इनको इस्तेमाल में रखें और इसके ऊपर रोज अमल करें। लड़के वाली बात जो हम बता रहे थे, क्योंकि जानवर ऐसा होता है कि उन इंसान के साथ वो बॉन्डिंग बना लेता है। हमने ये खुद देखा कि हमारा जो पुराना लड़का खिलाने वाला था वो बीच में कुछ दिन के लिए कहीं चला गया, तो नए लड़के के साथ पशु खाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी भी एक अटैचमेंट हो जाती है और उसी हाथ से खाना पसंद करते हैं। जिस तरह हमारे में भी घर में माँ का अलग खाना होता है, बहन का अलग खाना बनता है, टेस्ट अलग हो जाता है, इसी तरह इनको भी ऐसे ही लगता है। अगर टेस्ट हाथ बदलता है तो उनका टेस्ट बदल जाता है, खाना उतने मन से नहीं खाते हैं। तो लड़का ऐसे भरोसेमंद रखें जो आपको साल भर आपको सर्विस दे सके। आप महंगा और सस्ता ना देखें, ईमानदार लड़का देखेंगे तो आपके पशु को वो अच्छी सर्विस देगा और आपको आप खुश रहेंगे, आपके पशु खुश रहेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये हर कोई खोल के आपको नहीं बताएगा। ट्रेनिंग के नाम पे लोग किताबी ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपनी बकरी पालन को सफल कैसे बनाना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये आपके ऊपर है। आपको मोटा मोटी बता दिया जाएगा बुखार में ये डालें, दस्त में ये दवा दें और लूज मोशन में ये इंजेक्शन लगाएं, लेकिन भैया वो होए ना फार्म पे, ये चतुराई नहीं है कि आप बीमारियों को हल कर लें। चतुराई इसमें है कि आप बीमारी को आने ही ना दें, क्योंकि बीमारी आती है तो काफ़ी पशु का वजन टूट जाता है, पशु बैक चला जाता है, काफ़ी निराश हो जाता है बकरी पालक कि इतनी मेहनत से उसने जो है उसे खिलाया पिलाया तैयार करने की कोशिश की और पशु बीमार पड़ गया तो सारा उसका किराया किराए पे पानी फिर गया। तो इस तरह मैनेजमेंट अपने फार्म पे साफ सुथराई का रखें, साफ सुथराई बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके पशु अगर चराई पे भी जाते हैं तो वापस आने के टाइम उनके पैर वगैरह को जो है पानी से अच्छी तरह पोटासियम के पानी से धुला दें, जिससे गंदगी फार्म पे ना बैठे। और सफाई तो आप रोज़ करवाएं बाड़े की, हम अपने बाड़ों की रोज़ दो बार सफाई कराते हैं इन बरसात के मौसम में और बाकी मौसमों में भी, कि जल जमाव ना कहीं हो पाए, जिससे जो है मच्छर वगैरह भी काफ़ी इन्हें परेशान करते हैं, तब इनके बॉडी में खून की कमी होने लगती है। एक बच्चा हमारा ऐसे ही बीमार पड़ा था कि उसको मच्छर काफ़ी लगते थे, हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, जब गौर से देखा तो रात में वहाँ मच्छर आ जाते थे। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों की जो भी समस्याएँ हमसे पूछ सकते हैं आप, हम आपको उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। यह हमारे घर का पांचवा मंजिल आप समझ लें, यहाँ हमने सोलर लगवाया है और यहाँ हम बैठ के आपको अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप सभी का फ़ायदा हो सके। ये वीरान छत रहती थी, हमने एक शौक के लिए यहाँ बकरी पालन कर रखा है, जिससे हमको रोज़ाना का दूध मिल रहा है, बच्चे तो मिलते ही हैं, एक हमारा अच्छा टाइम पास होता है। जब भी हमें दिन भर में वक्त मिलता है अपने बिजी शेड्यूल से, हम आके कुछ घंटे इन बच्चों के साथ बिताते हैं, इनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी कुछ चीज़ें बताते हैं। तो ऐसा नहीं है पशु नहीं समझता है, पशु भी आपके हाव भाव को समझ लेता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।